वेलकम बैक टू द काफोस एंड आज हम बात करने वाले हैं 2022 अपकमिंग स्कॉर्पियो की। सो एंड ऑफ 2022 में स्कॉर्पियो का न्यू जेन मॉडल आ रहा है जो कि आपके सामने है। ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है एंड ये कई बारी लोगों ने रोड पे टेस्ट होता हुआ देखा है। सो अगर पहले चेंज की बात करें वो है इसका ड्यूल प्रोजेक्टर। सो आपको न्यू लाइट्स मिलेगी विद न्यू फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स इसकी भी LED होने वाली है। जो सेकंड चेंज है वो है इसकी बैक लाइट्स। सो आपको बैक लाइट्स कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। सो अगर थर्ड चेंज की बात करें वो है इसकी ग्रिल। सो आपको ग्रिल न्यू देखने को मिलेगी विद न्यू लोगो एंड ये गाड़ी एकदम डिफरेंट है प्रीवियस जेन स्कॉर्पियो से। फोर्थ चीज़ की बात करें वो है इसके बम्पर्स इंक्लूडिंग बॉडी। साइड से देखोगे ये थोड़ी सफारी वाली लुक देगी आपको पीछे से। सो ये गाड़ी टोटली चेंज्ड है एंड 2022 मॉडल में आपको लेटेस्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो पुरानी जेन में नहीं थे, जैसा कि 360 डिग्री कैमरा एंड अडास जैसे फीचर्स। एंड इसमें जो एक न्यू चीज़ आने वाली है वो है इसके चारों टायरों में डिस्क ब्रेक होगी जो इसको और सेफर बना देगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। सो अगर बैक साइड की बात करें सो बैक साइड भी बिल्कुल चेंज है। अगर आप न्यू स्कॉर्पियो में पुरानी स्कॉर्पियो जैसी अग्रेसिव लुक या गैंगस्टर लुक ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। टोटल स्कॉर्पियो चेंज है न्यू वाली। सो अगर फिफ्थ चीज़ की बात करें वो है इसके अलॉय व्हील्स। आपको न्यू अलॉय व्हील्स मिलेंगे 18 इंच या 17 इंच के होंगे ये। सो अगर सिक्स्थ मेन चीज़ की बात करें वो है डैशबोर्ड। आपको न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होएगा वो XUV700MX बेस वेरिएंट जैसा होगा। सेवन चीज़ की बात करें तो वो है सनरूफ। आपको इसमें सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें 9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता होगा विद अलेक्सा। एम्बिएंट लाइटिंग जैसा फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम एट्थ चीज़ की बात करें इसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बढ़ा देंगे। 9 चीज़ की बात करें वो है इसका इंजन। आपको ये पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल होगी। डीजल इंजन की बात करें आपको 2.2 एमहॉक डीजल इंजन ऑल व्हील ड्राइव एंड रियल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में जो कि प्रोड्यूस करेगा 165 BHP एट द रेट 380 NM टॉर्क। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें वो आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन रियल व्हील ड्राइव 180 BHP 350 NM टॉर्क 4x4 नहीं मिलेगा आपको पेट्रोल इंजन में, और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो 10 चीज़ की बात करते हैं वो है प्राइस। सो जैसा कि आपको पता है जब भी कार का फेसलिफ्ट आता है तो उसका प्राइस ऊपर ही होता है। सो इसका प्राइस भी अप ही होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 10 चेंजेस गिना दिए हैं, 10 से ज़्यादा ही गिना दिए हैं। सो अब करूँगा आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात। जैसा कि मेरा चैनल अभी न्यू है और इसमें सब्सक्राइबर काउंट भी बहुत ही कम है, सो हेल्प मी टू ग्रो सब्सक्राइबर्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस विल हेल्प यू टू बाय अ राइट कार इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।